आज की सबसे बड़ी खबर है, अब ये परीक्षा एक महीने के बाद फिर से कराई जाएगी। इस बीच पेपर लीक करने वाले गैंग पुलिस की गिरफ्त में है, जिनसे लगातार पूछताछ हो रही है। मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके ये कोशिश की जा रही है। एसटीएफ इसकी जांच पड़ताल करेगी। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि अब तक यूपी के अलग अलग इलाकों से 23 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे ज्यादा 13 लोग प्रयागराज से गिरफ्तार किए गए हैं, तो वहीं लखनऊ से 4 और मेरठ से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि एक महीने बाद ये परीक्षा फिर से पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी, साथ ही परीक्षार्थियों को राहत दी जाएगी। परीक्षार्थी प्रवेश पत्र दिखा करके फ्री में घर जा सकते हैं, ये भी कहा प्रशांत कुमार ने। अब परीक्षा रद्द होने के बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले जो दावे किए जा रहे थे कि इंतजाम पुख्ता हैं, तो फिर उन इंतजामों का क्या हुआ? कई सवाल हैं जो दागे जा रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल हैं, नकल विहीन परीक्षा की परंपरा। लेकिन उसके बाद भी ऐसी खबर निकल करके सामने आई कि परीक्षा रद्द करनी पड़ी। बीती रात हम लोगों ने कुल अभी तक 23 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, विभिन्न उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से, जिसमें लखनऊ से 4 लोग पकड़े गए हैं, मेरठ एसटीएफ की टीम के द्वारा 3 लोगों की को गिरफ्तार किया गया है, एसटीएफ वाराणसी और गोरखपुर के द्वारा भी 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया है, जनपद कौशाम्बी से 1 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, तथा प्रयागराज से 13 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से कुछ फोटोकॉपी पेपर्स के मिले थे, जिनको हम लोगों ने शासन के साथ शेयर किया और ये बात प्रकाश में आई कि ये प्रश्न पत्र वही हैं जो कि परीक्षाओं में आने वाले हैं। तत्काल शासन स्तर से इस पर निर्णय लिया गया कि ये परीक्षाएं स्थगित की जाती हैं। ये भी निर्णय हुआ है कि अगले 1 महीने में दोबारा ये परीक्षा कराई जाएंगी। यूपीटीटी परीक्षा रद्द होने पर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का बयान भी सामने आया है। एसटीएफ को सौंपी गई है मामले की जांच। उन्होंने कहा एक महीने के बाद बिना शुल्क लिए कराई जाएगी परीक्षा। सतीश द्विवेदी ने कहा है यूपीटीटी परीक्षा रद्द होने के बाद उनका बयान सामने आया। एसटीएफ को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई है, उन्होंने कहा है, और एक महीने के भीतर परीक्षा करवाई जाएगी। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। यूपीटीईटी की परीक्षा के पेपर लीक होने की सूचना मिली है, इसलिए दोनों पालियों की परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा रही है। पुनः एक महीने के भीतर अभ्यर्थियों से बिना कोई शुल्क लिए परीक्षा पुनः कराई जाएगी। FIR कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं और UPSTF को जांच सौंपी जा रही है। आगे दोषियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।